हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसमें हम लोग क्लास 9th के लिए जो 10 फरवरी का पेपर दिए हैं, इसमें हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का जवाब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। और ये जो आप लोग पेपर दिए हैं उसी का है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टेस्ट बुकलेट कोड जो यहाँ पे डी दिया है, तो जिसका भी डी होगा उसका क्वेश्चन नंबर सेम होगा। यानी जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें भी 1 होगा, क्वेश्चन सभी सेम होंगे। लेकिन जिसका यहाँ पे डी के जगह पे किसी का ए होगा, बी होगा, के होगा, ऐसे करके होगा, तो उसका क्वेश्चन सेम नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जो हिंदी का होता है 1 से 15 तक क्वेश्चन होता है, ये आप लोग को पता होगा। 1 से 15 तक हिंदी का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो उसमें हो सकता है 3 हो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा तो उसमें हो सकता है 5 हो। तो आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा कि क्वेश्चन वही है और उसका आंसर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। और आप लोग नीचे ये भी बता दीजिएगा कि आप सभी का कितना सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हिंदी, इंग्लिश, फिर मैथ, फिर साइंस, ऐसे हम लोग देखने वाले हैं सब क्वेश्चन इस वीडियो में। सभी चीज़ हम लोग देख लेंगे, तो चलिए वह देख लेते हैं। तो हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर, मैं ऐसे थोड़ा कर देता हूँ कम जूम आउट, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। हिंदी का ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, बल्ब का उसने आविष्कार किया था ना कि खोज किया था। आविष्कार करना और खोज करना अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, आविष्कार किया था, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे जो भागलपुर है ये एक नाम है, तो नाम कभी भी संज्ञा होता है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए इसमें जो भी लगा है ये वाला आप ध्यान मत दीजिएगा, इसका दूसरा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही तीसरा आप लोग देखेंगे तो इसमें बताना है कौन सा मतलब सही लिखा है, वही आप लोग को बताना है। तीसरा ऑप्शन नंबर जो बी है, तीसरा का बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही आप लोग अपने स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अंगूठा का दशम शब्द बताना है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा और उसके बाद से जवाब आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें विलोम बताना है सुलभ का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिखाई दे रहा होगा। और आप लोग हमारे वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि संधि आप लोग के पेपर में आता है और आ भी सकता है, तो आप लोग संधि पढ़ लीजिएगा। तो इसमें देखिए ये जो है संधि, इसका बताना है कि ये किससे किससे मिल के बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, योग प्लस अभ्यास से मिल के योगाभ्यास बना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ए इसलिए नहीं होगा, ये बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें योगा पहले ही लिख दिया है। लेकिन ये जो होता है वो ये होता है योग प्लस अभ्यास, योगाभ्यास बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिदिन आधे घंटे योगाभ्यास करना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन मैच करते रहिएगा, देन नहीं तो आपका भी गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महंगे उपकरण जो है वह हो जाएगा सही जवाब। इसका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा। वैसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर इसका नहीं दोस्तों, इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शरीर और मन दोनों का व्यायाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, एक बिंदु पर मन को स्थिर करना, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका ऑप्शन नंबर जो बी है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मैंने ये तो बता दिया यहाँ तक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये भी बताना है, ऐसा क्वेश्चन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी था और बोला भी था कि आप लोग एग्जाम में आएगा, देन आ भी गया उस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी, ये काम किसने किया, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपने स्क्रीन पे मैच करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, कंधे से कंधे मिलाकर, ऑप्शन नंबर डी 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा।
वैसे आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, भाववाचक जातिवाचक संज्ञा, वह बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे ये इंग्लिश आ गया, इंग्लिश का ये जो है इसको पढ़ के इसको जवाब देना रहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग मैच करते रहिए कि यही क्वेश्चन है ना, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा इस समय। और आप लोग क्वेश्चन जरूर मैच कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोग का क्वेश्चन जो है वह है डी है तो देन सही है, नहीं तो अलग है, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर मैच कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह फल बेचता था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, इसको पढ़ के जवाब देना है यहाँ पे, तो आपको पता ही होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो ए है देन, तो ऑप्शन नंबर ए देन है जो क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ऑन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी ऑन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी विच सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का विच ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन जरूर मैच कर लीजिएगा, इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 23 है दोस्तों, इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, इसमें जो लगा हुआ है वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये एक्टिव पैसिव वॉइस है तो आप लोग को पता ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही आप लोग 24 देखोगे तो 24 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। काइंडली जो दिया है वो ऑप्शन नंबर सी 24 का हो जाएगा। वैसे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे, आप लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग मैच कर लीजिएगा तो इसका जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसका ये क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है दोस्तों, तो इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हम लोग को लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। अब चलिए हम लोग आगे, मतलब इसमें जिस पे भी डाउट होगा आपको ये नहीं कि गलत कुछ भी बता दिया जाएगा, इस चैनल पे आपको जो भी मतलब डाउट होगा वो बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाकी जो सही है वो आपको बता दिया जाएगा इस चैनल पे, क्योंकि बच्चों को तो ऐसे गलत सही कुछ भी नहीं बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देखे हुए तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए फ्यू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी लॉन्गेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, और ये पेपर खुद मैंने बैठ के सॉल्व किया है, देन आप लोगों को बता रहे हूँ ये सब सॉल्व किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 29 का। इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन ये रहा 30 यानी 15 से, हिंदी से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, तो ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन, तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो लगा हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग अब मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, दूसरा खंड यानी मतलब तीसरा खंड, पहला तो हिंदी हो गया देन इंग्लिश अब मैथ। मैथ में क्वेश्चन मैच करते रहिएगा, क्वेश्चन मैच करना सबसे ज़रूरी है। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 31 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही आप लोग के स्क्रीन पे 32 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो इसका जो हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -575। क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी यानी चार क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी लगातार है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग 35 का देख लेते हैं, 35 का जो है इसका भी ऑप्शन नंबर बी 27 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। तो हो गया इतना, हम लोग चलते हैं आगे, ये हाँ 35 तक हो गया। हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे है 36 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा
36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, दो जो है ऑप्शन नंबर सी दो दिया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देखोगे तो 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 38 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसमें लगा हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 38 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इधर से थोड़ा मिट गया, तो ये है 39 नंबर क्वेश्चन, आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी 7 39 नंबर क्वेश्चन का। वैसे ही 40 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसमें इसका यही 14 हो जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का 14, ये 40 क्वेश्चन है यानी 40 नंबर क्वेश्चन का 14 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 41 नंबर क्वेश्चन इसका जो हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो इसमें लगा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 60 वर्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी 60 वर्ष। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखोगे आप लोग तो 43 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है एक संबंध दो के अनुपात में जो है वह दिया है, तो 1:2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देखोगे तो 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी लगा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 44 नंबर का 72 डिग्री बिल्कुल सही है। वैसे अगर आप लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखोगे 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होगा 1/4 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे आप लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऐसे मतलब क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यही क्वेश्चन है देन आंसर देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे आप लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखोगे 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 800 मीटर जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे 48 नंबर क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है 8000 बिल्कुल सही हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा ये रहा 49 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है -6 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन यानी आधा क्वेश्चन तो हम लोग आ गए लोग, तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि इसमें लगा है ऑप्शन नंबर सी 50 नंबर क्वेश्चन का। और 51 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप लोग तो 51 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 40। 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 6%। और 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स बराबर जो होगा वह 1 हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि वो अभी मैच कर सके दोस्तों। अब हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 54 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए जो दो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि लगा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इसका जो हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 0 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, अब हम लोग आगे देखोगे तो 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 58 नंबर क्वेश्चन ये रहा तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 59 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि इसमें लगा हुआ है 59 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन नंबर डी 48 सेंटीमीटर 48 सेमी हो जाएगा। आप लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखोगे यानी 61 नंबर क्वेश्चन तो इसका जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि इसमें लगा हुआ है। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे आप लोग आओगे तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये रहा ये क्वेश्चन तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 216 किलोमीटर। और हम लोग आगे देखोगे 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये रहा क्योंकि इसमें नंबर नहीं आप लोग अच्छे से दिखाई दे रहा होगा देन मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका भी ऑप्शन नंबर सी 52 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग इसका ऑप्शन नंबर हाँ इसका भी ऑप्शन नंबर सी ऊपर भी ऑप्शन नंबर सी और इसका भी सी सही हो जाएगा।
अब हम लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी 9 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9। और हम लोग के चैनल पे कटअप का वीडियो अपलोड है, आप लोग उसको भी देख सकते हो कि कितना नंबर पे आपका सलेक्शन हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा साइंस का, यानी हिंदी हम लोग देख लिए, इंग्लिश देख लिए, मैथ देख लिए, अब हम लोग साइंस का देखेंगे, देन आपका पूरा हो जाएगा। तो ये जो देखोगे इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि इसमें लगा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ हिंदी है, इधर इंग्लिश है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो इसका जो हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऊपर भी नीचे भी यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा क्योंकि यह हिंदी में इधर इंग्लिश में। 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो इसका जो हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ये अभी डाउट में है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 69 नंबर क्वेश्चन ये भी अभी डाउट में है, ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कहीं और से या आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन है और एक जो कि इंग्लिश में था 26 नंबर क्वेश्चन हुआ तो हमने उसी समय बता दिया था, और एक ये देख लीजिएगा 69 नंबर क्वेश्चन। अब 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि दिया है बिल्कुल सही होगा। और इसमें जो भी बताया जा रहा है सब मैंने सॉल्व किया और ये सब क्वेश्चन का जवाब यही होगा दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें लगा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 72 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 72 का ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे 73 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेढक मेढक सही होगा 73 नंबर क्वेश्चन का। 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे अपने स्क्रीन पे 74 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 72 का पैंक्रियाज जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पे देखोगे 75 नंबर क्वेश्चन ये मैचिंग दिया है, देन तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 75 का ऑप्शन नंबर सी ये देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, हम लोग 75 तक देख लिए, अब आगे हम लोग देखेंगे तो 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 76 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 77 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो 78 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा, 78 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, ये ऊपर वाला 79 नंबर क्वेश्चन, तो 79 का ऑप्शन नंबर ए इसमें लगा है बिल्कुल सही होगा, कुल तार जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन ये भी एक मैचिंग का क्वेश्चन है, इसमें तो देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन तीन क्वेश्चन मिल गया, यानी 80 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी का ऑप्शन नंबर सी ये नीचे रहा ये सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 80 नंबर 1 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर ए 81 का 81 का। हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कितना नंबर 82 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पे देखोगे जो कि यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन, तो 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, 83 का ऑप्शन नंबर डी 140 डिग्री। 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे 84 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 84 का ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन, देन वही है ना, तो 85 का जो होगा वह हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 डिग्री सही है। अब 86 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दो फसल के ऐसे करके है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर ए। 87 आप लोग देखोगे तो 87 का ऑप्शन नंबर जो 87 का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जुताई ऑप्शन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखोगे दोस्तों तो 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 89 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो 89 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा जो कि इसमें लगा हुआ है, 89 का ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन,
अब हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है पहला वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम लोग 91 नंबर देखेंगे, 91 नंबर क्वेश्चन, तो 91 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा 91 का ऑप्शन नंबर डी। 92 आप लोग अपने स्क्रीन पे देखोगे 92, तो 92 का हो जाएगा दोस्तों, 92 का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 92 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। वैसे आप लोग 93 देखोगे, 93 आप लोग क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, वीडियो रोक भी सकते हैं अगर ज़्यादा तेज हो तो, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। और 94 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे, 94 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 94 का ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो 95 का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 95 का ऑप्शन नंबर डी। 96 आप लोग देखोगे दोस्तों, तो 96 का ये रहा 96 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छे से नहीं आया, तो 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला देख लीजिएगा। घर्षण बल वस्तु के आकार और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम लोग देख लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो 97 का ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 97 का ऑप्शन नंबर बी, 20,000 से 20,000 तक होता है। 98 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो 98 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे, 98 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम लोग वीडियो के अंतिम मतलब पड़ाव पे हैं, तो 99 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, तो 100 का ऑप्शन नंबर सी। सो दोस्तों हम लोग वीडियो पूरा देख लिए, 1 से 100 तक जो भी क्वेश्चन था आप लोग के एग्जाम में 10 फरवरी का, उसका सभी चीज़ वीडियो में देख लिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करना है तो आप लोग एक लाइक तो कर सकते हो, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा सभी चीज़ें हमारे चैनल पर बताई जाएंगी। और आप लोग का कितना सही हुआ नीचे कमेंट करो यार, बताओ आप लोग का कितना मतलब क्वेश्चन सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। और कटअप का वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पे अपलोड है, जाके कटअप का वीडियो देख लो कि कितना क्वेश्चन तक आप लोग का गलत हुआ या सही होगा, तो आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, और सभी चीज़ें उसमें बताई गई, आपको डिटेल में सभी चीज़ें उसमें देखने को मिल जाएंगी, तो जाके उसको ज़रूर देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में।